नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। और वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ताजमहल पर पर्यटकों का सैलाब, त्योहारी वीकेंड पर रिकॉर्ड 32,000 से ज्यादा सैलानियों ने निहारा ताज। अव्यवस्थाओं और धुंध ने किया परेशान, रविवार सुबह से उमड़ी भीड़। दीपावली उत्सव के बाद वीकेंड की छुट्टियों का पर्यटकों ने पूरा लाभ उठाया। आगरा में शनिवार को ताजमहल पर पर्यटकों का सैलाब उमड़ पड़ा। रविवार सुबह से ही ताजमहल पर सैकड़ों की संख्या में पर्यटकों का हुजूम पहुंच रहा था। भीड़ अधिक होने के कारण अव्यवस्थाओं ने पर्यटकों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। इन सबके बीच प्रदूषण के चलते ताजमहल पर धुंध छाई रही। इंदिरा मैराथन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। कल से मदन मोहन मालवीय स्टेडियम से भी ले सकेंगे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। 19 नवंबर को होगी मैराथन। प्रथम विजेता को मिलेंगे 2,00,000 रुपए। प्रयागराज में 19 नवंबर को 36वीं अखिल भारतीय प्राइज मनी इंदिरा मैराथन का आयोजन किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जन्म तिथि पर यह मैराथन 42.195 किलोमीटर की होती है। इंदिरा मैराथन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है। मैराथन में भाग लेने के इच्छुक एथलीट मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में 8 नवंबर से रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी प्राप्त कर सकते हैं। गोरखपुर में 100 करोड़ से बनेगा नया स्टेडियम। शहर के सुभाष चंद्र बोस नगर में बनेगा स्टेडियम। नगर निगम में 9 एकड़ जमीन पर शुरू हुई तैयारी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के खाते में जल्द ही एक नया उपलब्धि जुड़ने जा रही है। रीजनल स्टेडियम और सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम के अलावा शहर में जल्द ही तीसरे स्टेडियम का निर्माण शुरू किया जाएगा। यह स्टेडियम शहर के सुभाष चंद्र बोस नगर में स्थित नगर निगम की 9 एकड़ जमीन पर बनेगा। नगर आयुक्त अविनाश सिंह के मुताबिक इसके लिए नगर निगम की ओर से कार्य योजना शुरू कर दी गई है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, छठ पूजा से पहले नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली और आनंद विहार टर्मिनल पर हुआ बड़ा बदलाव। दिवाली के समय नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली और आनंद विहार टर्मिनल पर जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। वहीं इस वक्त राजधानी के रेलवे स्टेशन पर छठ पूजा पर घर जाने वाले की भीड़ बढ़ती जा रही है। भीड़ की बढ़ती तादाद को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने एक बड़ा ऐलान किया। रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद कर दी है और अब सिर्फ यात्रियों को ही प्लेटफॉर्म पर जाने की अनुमति दी जाएगी। गाजियाबाद में डासना के पास NH9 से जुड़ेगी नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड, जाम से मिलेगी राहत। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड को अब डासना के पास NH9 से जोड़ा जाएगा। इससे GDA की मधुबन बापूधाम आवासीय योजना को काफी फायदा होगा। इसलिए GDA ने पिछले दिनों सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट से इसका सर्वे करवाकर नक्शा बनवाया। नक्शे में NPR को डासना से आध्यात्मिक इंटर कॉलेज से 200 मीटर आगे जोड़ने की बात की गई। बुंदेलखंड में जारी है खाद का संकट, झांसी से आक्रोशित किसानों ने लगाया जाम। रबी की फसल के लिए बुंदेलखंड में खाद के लिए मारामारी जारी है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने खाद संकट को देखते हुए सभी जिलों में किसानों को आसानी से खाद उपलब्ध कराने की दिशा निर्देश जारी किए। इसके बावजूद कई जगहों पर खाद की किल्लत की खबरें सामने आ रही है। झांसी जिले के खाद नहीं मिलने पर किसानों को चक्का जाम करना पड़ा। खाने पीने समेत लग्जरी सुविधाओं वाला रैपिड रेल का प्रीमियम क्लास कोच। देश की पहली रीजनल ट्रांजिट रेल यानी रैपिड रेल कई परिवहन सेवाओं का अनुभव कराएगी। इसके लिए इनमें सुविधाएं भी वैसी ही होंगी। हवाई जहाज, मेट्रो व भारतीय रेल की सुविधाओं से युक्त इस रेल में फिलहाल 6 कोच होंगे। इसमें एक बिजनेस कोच होगा जिसमें प्रीमियम क्लास नाम दिया गया है। बाकी सामान्य कोच को स्टैंडर्ड क्लास नाम दिया गया है। कानपुर के बाद प्रदेश के अन्य जिलों में जीका वायरस का कहर, कन्नौज में मिला एक मरीज। उत्तर प्रदेश के कानपुर के बाद कन्नौज जिले में भी जीका वायरस का मामला सामने आया है। यहां 45 वर्षीय व्यक्ति में वायरस पाया गया। कानपुर में जीका वायरस का कहर जारी है। जिले में अब तक वायरस के 79 मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार यह व्यक्ति कानपुर के शिवराज इलाके के कसमऊ गांव हॉल में गया था, जहां से वह वायरस के संपर्क में आ गया। 2023 की दिवाली पर मेरठ को मिलेगा तोहफा, पटरी पर दौड़ेगी रैपिड रेल, 540 दिन में पूरा होगा काम। मेरठ के लिए 2023 की दिवाली नया तोहफा लेकर आएगी। 2 साल बाद दिवाली से पहले दिल्ली मेरठ रैपिड रेल दौड़ने लगेगी। मेरठ के लोगों का दिल्ली से सफर आसान हो जाएगा। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का काम हाई स्पीड में जारी है। NCRTC का दावा है कि 540 दिनों में यानी 2023 की दिवाली से पहले दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का संचालन शुरू हो जाएगा। दिन औसत से ठंडा, गर्म हो रही रात। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया कि आने वाले सप्ताह में आसमान पूरी तरह से साफ रहेगा। तापमान में गिरावट आ सकती है। दिन का अधिकतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के करीब रह सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस के करीब रह सकता है। बता दें, नवंबर का प्रथम सप्ताह ने मध्य दिसंबर जैसा ठंड का आभास कराया था। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी और अहम खबरें। डेली ऐसी अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही आप ये न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।